देखिए बड़ी अच्छी बात है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो रहा है जाति और धर्म की सीमा से ऊपर उठ करके। और आतंकवाद से परेशान केवल हिंदुस्तान नहीं है, केवल अमेरिका नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर लोग आतंकवाद से परेशान हैं, कई मुस्लिम देश भी आतंकवाद से परेशान हैं। और एक अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में अब आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, और ये माहौल अगर और बढ़ता गया, लोगों के अंदर आतंकवाद के प्रति घृणा का भाव और बढ़ता गया, तो मुझे लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ जो माहौल बनेगा वो पूरे दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करने के सामने एक बड़ा कदम होगा। आतंकवाद पैदा होने के जो कारण हैं, उन कारणों के निष्पादन के भी, उन कारणों के निराकरण के लिए भी काम किया जाना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस दिशा में भी कदम बढ़ाया है। आतंकवाद को लेकर मुसलमानों से जोड़ा जाता है, इसमें आप क्या कहेंगे कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवाद? देखिए, आतंकवाद किसी जाति और धर्म से जोड़ने का विषय नहीं है। लेकिन आतंकवादी आतंकवादी, चाहे वो किसी जाति धर्म का मानने वाला हो, जो हिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ता है, जो लोगों का कत्लेआम करता है, वो आतंकवादी है। उसका कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है।